आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, मिनी पिज़्ज़ा। ऐसा पिज़्ज़ा जो बिना मैदे और बिना आटे, साथ में इसमें ना ही सोडा पड़ना है और ना ही इसमें बेकिंग पाउडर पड़ना है। तो कैसे बनेगा इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी और जल्दी, साथ में हेल्दी पिज़्ज़ा? आइए देखते हैं। जब हमें सुबह बच्चों के टिफ़िन में कुछ देना होता है तो डेली का ये सोचना होता है कि आज हम क्या रखें जो बच्चों को पसंद आए, वो खाएं भी और नुकसान भी ना करें। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसा पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं जिसमें ना ही मैदे की ज़रूरत होगी, ना ही किसी आटे की ज़रूरत होगी, ना ही आपको उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होगी। तो बनेगा कैसे ये पिज़्ज़ा, आइए देखते हैं। तो आज हम बनाते हैं पिज़्ज़ा, वो भी पोटैटो पिज़्ज़ा, पोटैटो मिनी पिज़्ज़ा। ये कुछ आलू हमारे पास बॉयल्ड रखे हुए हैं, हमको इसी से बनाना है। हमें ना इसे कद्दूकस करना है, ना हमें इसे मैश करना है। कैसे बनाना है तो आइए देखते हैं। अब हमें एक आलू लेना है। इस आलू को हाथ में लेने के पहले हाथ में थोड़ा सा हमने कॉर्न स्टार्च को डस्ट कर लिया ऐसे। अब इस आलू को हम हाथों में लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रेस करके इसको चिपटा कर लेना है। आप देख सकते हैं ये आलू हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से चिपटा हो गया है। अब हमको इस पे अच्छे से कॉर्न स्टार्च को डस्ट कर लेना है। और इसको हम डस्ट करके थोड़ा सा ऐसा प्रेस करके रखेंगे ताकि ये टूटने ना पाए, और हम एक प्लेट में इसको बहुत ही आराम से ऐसे रख देंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही आराम से बन जा रहा है। अगर ये टूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे अगर वो कर देंगे तो ये ठीक हो जाता है। तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये टूट रहा है, कैसे बनेगा। ये अब हमने कॉर्न स्टार्च भी लगा दिया इसमें। अब देख सकते हैं हमने सारे आलू को ऐसे चिपटा कर लिया है। अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। हमें माइक्रोवेव में भी इसको, इस पिज़्ज़े को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पिज़्ज़ा हम तवे पर बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, लेकिन हम तवे पर ही बना करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये टूट भी जाता है, इसको उठाने में अगर टूट भी जाता है तो हम हाथों के सहारे उसको अच्छे से प्रेस करके और दबा करके हम उसको एक में मिला लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर नीचे कॉर्न स्टार्च लगा लेंगे। कॉर्न स्टार्च इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सेकते हैं। हम एक पैन ले लेते हैं। पैन को हमने गैस पर पहले चढ़ा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। तो अब हम एक ये लेते हैं, एक पोटैटो हमने लिया है और इसको बहुत ही आराम से हम इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार पिज्जा को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। एक पिज़्ज़ा मैं यहाँ पर अभी प्लेट में रखी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ये उठाने में यूँ टूट भी गया तो हमें इसको क्या करना है। ये मान लीजिए टूट भी जाता है तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसको हाथों में लेंगे, इसको ऐसे हम गोला बना लेंगे और अब हम यहाँ पर इसको फिर से ऐसे चपटा करके और इस पर कॉर्न स्टार्च लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से बन जाने वाला है। इसमें कोई भी हमें टेंशन लेने की चीज़ नहीं है कि एक बार में टूट गया तो अब हम क्या करेंगे। हम फिर से इसमें कॉर्न स्टार्च लगा लेते हैं। और अब हम इसको तवे पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हमें एक तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से सेक लेना है। एक तरफ से ये बहुत अच्छे तरीके से जब एकदम क्रिस्पी सिक जाएगा तब हमको इसको पलटना है। हम बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से इसको पलटेंगे। ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा तो दूसरी तरफ से ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो अब आपने देखा ये अभी नहीं हुआ है तो इसको हम फिर से पलट देते हैं। ये जो हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। हमने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है, बहुत ही हल्का सा। आप इस पर चाहें तो एक एक दोनों साइड में सॉल्ट डाल सकते हैं, चाहे तो एक साइड में भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने सॉल्ट डाल दिया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो हमने ये मेयोनीज ले रखा है हमें ये मेयोनीज लगा देना है। हमने गैस को इस समय धीमा कर रखा है, ये हमने मेयोनीज लगा दिया। अभी मुझे इसको थोड़ा सा पलट के सेकना है तो मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ। बाकी अब इस पे मैंने टोमेटो केचप या आप पिज़्ज़ा सॉस कुछ भी लगा सकते हैं। ये लगा दिया।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और अब हमने जो टॉपिंग के लिए सब्जियाँ काट रखी है ना वो ले लेते हैं। हमने ये थोड़ा सा कैप्सिकम ले रखा है, थोड़ा सा ये स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न आप बॉईल कर लें या एक दो मिनट माइक्रोवेव कर लें, ये टोमेटो, अनियन, अनियन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें या स्किप कर दें, ये थोड़ा सा पनीर है हमारा। और अब यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज ले रखा है जिसे हमें इसके ऊपर डाल देना है। अब हम ये सारे पोटैटोज को पलट लेते हैं। तो अब हम सारे पिज्जा पे ऐसे ही हम टॉपिंग कर लेंगे। हमने पहले मेयोनीज लगा दिया है, तो हमने सब्जियां काट के रखी हैं वो मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स, बच्चों के टिफिन में अगर आप पिज्जा रख देना तो उनको इतनी खुशी होगी कि पूछिए मत। और ये पोटैटो पिज्जा, हम भी निश्चिंत रहेंगे कि बच्चे जो खा रहे हैं वो अनहेल्दी नहीं खा रहे हैं, बल्कि हमने जो दिया है उनको हेल्दी दिया है और वो भी बड़े मज़े से खाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसे पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें बना करके दें जो बच्चे भी इंजॉय करें और हम भी टेंशन फ्री रहें। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये। तो बस अब आपने यहाँ टॉपिंग कर दी है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है। हमने इसको ढक दिया है ताकि जो ये टॉपिंग है, जो हमने टॉपिंग करी है चीज़ की और सॉस की, बाकी सब्जियों की, तो वो थोड़ा सा पक जाए ताकि वो खाने में अच्छा लगे और थोड़ा सा क्रंची भी रहे, लेकिन पका हुआ भी रहे तो बच्चे इंजॉय करते हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से, अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं या आउट कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसान है बनाना, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो ये ऐसे ही एक दो मिनट और हम छोड़ देंगे इसको धीमे आंच पे। नीचे से ये क्रिस्प भी हो रहा है और ऊपर से मेल्ट होकर के ये अच्छे से पक भी रहा है। फ्रेंड्स, एक बात हम बताना भूल गए थे, जब भी आप आलू को बॉयल करिएगा तो उसमें 1.5 चम्मच नमक जरूर डाल दीजिएगा, ताकि जब आलू बॉयल हो रहा है तो उसके भीतर वो जो नमक है वो चला जाए, तो हमें बाद में ऊपर से नमक डालने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो उसका बेस होगा ना वो एकदम सादा सादा नहीं लगेगा, तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। अब लगभग 2.5-3 मिनट हो चुका है, तो हम एक बार ओपन करके देख लें। अब आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल ही हो चुका है, ये थोड़ा सा मेल्ट होकर के नीचे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन ये बहुत ही एकदम क्रिस्पी सा हो गया है, आप देख सकते हैं ये आराम से बिल्कुल सिक चुका है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल करके और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। इसको आप चिली फ्लेक्स या चिली अपने हिसाब से जितना डालना है आप डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं और बेहद ही जल्दी, बेहद ही टेस्टी और एक स्वादिष्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी है। ये ऐसा इतनी जल्दी से तैयार हो चुका है ये पिज़्ज़ा, आप इसको टिफ़िन में दें अपने बच्चों को, जब भी उनको भूख लगे उनको खाने को दें। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। साथ में आपको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ इसमें मैदा है, इसमें आटा है, क्या करें। तो आप बिल्कुल इसको बनाइए और बच्चों को दीजिए, खुद भी इंजॉय करिए और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराइए।